नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये भट्ठा पूरी तरह खुल गया है, इसको खोल दिया गया है। इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार आई हुई है। तो चारों तरफ से खुलने के बाद, और कल मौसम भी कुछ ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से इसका जो राख धूल कचरा था वो भी काफ़ी अच्छी तरह से साफ हो गया है। तो इस साइड का भी खोल दिया गया है, और उसको खोल के ये यूनिट इसमें रख दिया गया है। और इस साइड का बस बच गया है कुछ। और इसको भी ये नीचे से घेरा लगाया, क्योंकि रात में भी आज पानी ही गिर गया था। मौसम अभी भी खुला नहीं हुआ है। इसको भी इस पन्नी से ढका गया था, और इधर अभी भी कुछ ढका ही हुआ है। तो मौसम अभी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, हर शाम को आ जाता है। ये ईंट कल ही बनाई गई थी, और इस प्रकार पानी पा गया, वो माटी भी कुछ बच गई। तो ये माटी रह गई क्योंकि बारिश होने लगी, और बारिश भी कुछ ज़्यादा ही हो गई यहाँ पर, कि कुछ ईंट फट गई, कट गई। ये कुछ इस प्रकार, अब इसको भी ढक दिया जाता इस पाल के माध्यम से, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा भी थी इसलिए ढक नहीं पाई। और ये माटी भी कुछ ख़राब ही रह गई, बच गई। और इस साइड गड्ढा होने की वजह से यहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार अभी भी पानी भरा हुआ है। तो अभी तो पता नहीं है कितने दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा, क्योंकि अभी खुल ही नहीं रहा है। हर शाम को या सुबह में ऐसे ही मौसम आ जाता है, गिरे या ना गिरे, लेकिन कभी भी कभी कुछ ज़्यादा ही गिर जाता है, क्योंकि अभी आंधी तूफान ज़्यादा आता है, इसलिए ढकते भी नहीं बनता उतना। पानी बस गिरता तो ढकते बन जाता, लेकिन आंधी तूफान होने की वजह से पन्नी रुकती ही नहीं है, उड़ जाती है। और इस साइड का भी, इसको भी ढक दिया गया है। और ये वाली ईंट नहीं ढक पाई थी, तो ये गल गई कुछ। ये पर्दे की ईंट है, जो कच्ची थी वो गल गई, और जो कुछ पकी हुई थी वो रुक गई हैं। ये पूरी तरह ख़राब ही हो गई हैं अब। इतना ही खोला गया था, अब आज ले जाना था, लेकिन बारिश हो गई रात में, इसलिए नहीं ले जाते बना। अब देखते हैं, यदि आज नाइट में बारिश नहीं होगी तो कल सुबह या शाम तक में पुनः इसको लोड किया जाएगा। तो गाइस, ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी पन्नी डाला थक गया था, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा तूफान होने की वजह से ये भी उड़ गया। और उड़ने की वजह से इसमें कभी ईंटा ख़राब ही हो गया, पानी पड़ गया। तो ये कुछ इस प्रकार। तो यदि तेज़ आंधी तूफान रहता है तो इसको ढकना मुश्किल रहता है, क्योंकि ये पन्नी हल्की होती है और आंधी तूफान में उड़ ही जाती है। और ये रिंग भट्ठा है, इसको भी ढकना पड़ा। और इस साइड जो ईंट बनने का काम रहता है, वहाँ का भी दिखाते हैं किस प्रकार है। तभी होली के बाद से जो ईंट बना था वो पूरी की पूरी ईंट की ख़राब हो गई। ये कुछ ईंट कल पानी गिरने की वजह से कुछ इस प्रकार हो गया, इतना ख़राब हो गया है, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी, थोड़ा सा भी पानी पड़ता है तो पूरी तरह गल जाता है। और ये देख सकते हैं, इसमें पन्नी तो डाल दिया गया था, लेकिन नीचे से पानी गया तो ख़राब ही हो गया, पूरा गिर गया, जिसकी वजह से पन्नी भी फट गई और ईंट भी गिर गई।
ये काफ़ी नुकसान ही नुकसान है अभी के वक्त में, क्योंकि मौसम खुल ही नहीं रहा है, हर एक दो दिन में वापस आ जा रहा है। अब सबसे मेन रीज़न ये रहता है कभी के वक्त में हवा तूफ़ान की, तूफ़ान दोनों साथ में आते हैं, इसलिए ढकते भी नहीं बनता उतना। तो ये पानी देख सकते हैं ढकी हुई है, तो ये बचा हुआ है, लेकिन यदि नीचे से पानी जाता है तो ये भी गिर सकती है। और ये सिंगल केवल थी तो ये भी गिर गई। तो यदि इस प्रकार पानी आता है तो इतनी सारी खेवाल में कितने को ढका जाए, कितने को छोड़ा जाए, ऐसा हो जाता है। और ये बनी हुई ईंट ख़राब हो गई। काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है यदि एक पानी आता है तो इस प्रकार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।